और आज दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दिल्ली के भारत मंडपम के समिट हॉल में तीसरे सत्र की शुरुआत होगी और जिसकी थीम वन फ्यूचर यानी कि एक भविष्य होगी। इस बैठक के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने वाले हैं। इससे पहले सुबह 8:15 का वो समय होगा जब सभी G20 नेता और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख राजघाट जाएंगे, जिसके बाद महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर उसके बाद G20 बैठक के दूसरे दिन की शुरुआत हो जाएगी। आज G20 सम्मेलन के दूसरे दिन 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, जिसमें बैठक शुरू होने से पहले सभी विदेशी नेता राजघाट पहुंच जाएंगे, जहां वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और फिर इसके बाद सभी नेता भारत मंडपम वापस लौटेंगे, जहां वो G20 की यादगार बैठक के रूप में वृक्षारोपण करने वाले हैं। इसके बाद सभी नेता तीसरे सत्र में हिस्सा लेंगे। तीसरे सत्र की थीम वन फ्यूचर यानी कि एक भविष्य रखी गई है। तीसरे सत्र के साथ ही G20 सम्मेलन का समापन हो जाएगा और सभी विदेशी मेहमान अपने देश को लौटने लगेंगे, लेकिन कई देशों के नेता भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए रुकेंगे, जिनके साथ पीएम मोदी बारी बारी से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और इस दौरान उन देशों के साथ कई अहम समझौते भी किए जा सकते हैं। दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन के पहले दिन 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। सम्मेलन में सबसे बड़ा फैसला दिल्ली डिक्लेरेशन पर हुआ, जिसमें 112 मुद्दों पर सभी सदस्यों ने सहमति जता दी है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन और रूस से अमेरिका की तनातनी होते हुए भी सभी 112 मुद्दों पर सभी देशों ने अपनी सहमति दे दी है। दूसरा बड़ा फैसला अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का लिया गया, जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की थी। पीएम मोदी की इस पहल को भी सभी देशों ने सहमति दे दी और पहला सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी सदस्य के तौर पर अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को सीट ऑफर की। पहले दिन तीसरा बड़ा फैसला आर्थिक कॉरिडोर के बारे में हुआ। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, यूएई और यूरोपियन यूनियन में एक मेमोरेंडम साइन हुआ, जिसे चीन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब G20 की बैठक से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज G20 की बैठक में नहीं शामिल होंगे। जो बाइडेन सुबह 10:20 पर ही अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बाइडेन G20 के तीसरे सत्र में शामिल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आज ही उनका अमेरिका वापस लौटने का कार्यक्रम है। आज आखिरी और दूसरा दिन है G20 सम्मेलन का, जिसकी थीम वन फ्यूचर यानी कि एक भविष्य है, लेकिन इसमें जो बाइडेन हिस्सा नहीं लेने वाले हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 10:20 का वो समय होगा जब वो अमेरिका वापस लौट जाएंगे।